वाराणसी शहर में बढ़ते जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए नगर परिषद द्वारा शहर के प्रताप बाजार, उमरा गेट व बस स्टैंड के सामने मार्केट में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। ये अभियान नगर परिषद द्वारा चलाया गया। इस अभियान का कई दुकानदारों ने विरोध भी किया। कई लोगों से अधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। दुकान के बाहर रखे को कब्जे में ले लिया गया और मौके पर कई दुकानदारों के चालान भी काट दिए गए। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू सैनी ने बताया कि लगातार शहर के लोगों द्वारा सीएम विंडो पर शिकायत आ रही थी कि शहर में काफी दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण शहर के सभी बाजारों में अतिक्रमण अभियान जेसीबी की मदद से चलाया गया, जिसमें दुकानदारों के हजारों रुपए के चालान भी काटे गए। उन्होंने बताया कि अभियान लगातार नगर परिषद द्वारा चलता रहेगा। तो ये इंक्रोचमेंट हटाने का जो अभियान है ये कंटिन्यू जारी रहेगा। शहर में भीड़ भड़ाका का बड़ा माहौल है और इस भीड़ की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है इंक्रोचमेंट हटा रही है नगर परिषद। और काफी कईयों की शिकायतें भी आई हुई है कि हमारे यहाँ दिक्कत है और शिकायतों पर नगर परिषद काम भी कर रही है। कहाँ का जो अभियान चलाया गया? कल 27 वार्ड में, 23 वार्ड में, बस स्टैंड पर, उमरा गेट पे, बहुत सी मार्केटों में ये अभियान चलाया गया और ये अभियान कंटिन्यू चलेगा। लगभग कितना जुर्माना अभी तक लगाया गया है? कल लगभग 17,000 रूपये जुर्माना लगाया है और भी जितना भी है और भी लगेगा जुर्माना उनको। और ये अभियान कंटिन्यू चलेगा शहर की व्यवस्था को ठीक करने में। हम दुकानदार भाइयों से भी अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये भी अपना सहयोग दे ताकि जाम की स्थिति न रहे और साफ सुथरा शहर बने। हासी से केशव दमीजा। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.